उद्घाटन से दिल्ली मेट्रो का कुल नेटवर्क 296 किलोमीटर तक पहुंच गया है और हमारे स्टेशन की कुल संख्या अब 214 हो गई है। यात्रियों के लिए इस नए सेक्शन पर ट्रेन सेवाएं आज दोपहर। आदरणीय श्री हरदीप पुरी साहब, सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट दुर्गा शंकर मिश्र जी, श्री मंगू सिंह जी, यहाँ पर मौजूद दिल्ली के सभी MLA साहब, दिल्ली मेट्रो के सभी कर्मचारीगण, ऑफिसर्स, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि दिल्ली मेट्रो का पिंक लाइन का ये वाला सेगमेंट आज दिल्ली के लोगों के लिए चालू किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है, साउथ कैंपस से लाजपत नगर तक के लिए। इस लाइन के चालू होने से जैसा अभी बताया गया, एक तो जितने दिल्ली के बड़े बड़े मार्केट्स हैं वो सभी मार्केट्स इसके साथ जुड़ जाएंगे। इन मार्केट्स में पार्किंग की प्रॉब्लम्स काफी होती थी साउथ एक्साइन में वगैरह में, दिल्ली मेट्रो का ये सेक्शन शुरू होने से पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मुझे ये भी बताया गया कि नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के बीच की कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव करेगी, क्योंकि INA में नॉर्थ कैंपस के बच्चे इंटरचेंज करके इसमें साउथ कैंपस में इस सेक्शन के जरिए पहुंच सकते हैं। और आज ये सेक्शन चालू होने से 296 किलोमीटर मेट्रो रेल दिल्ली में चालू हो गई है। दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों को मैं इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिनके कठोर परिश्रम की वजह से न केवल ये लाइन चालू हुई है बल्कि अभी तक का पूरा दिल्ली मेट्रो का सफर जो है, दिल्ली के लोगों को मेट्रो के कर्मचारियों ने एक बहुत ही सुविधापूर्ण, पंक्चुअल, कंफर्टेबल और ग्रीन ट्रांसपोर्ट दिया है। स्पेशली आज के माहौल में जब इतना ज्यादा पोल्यूशन है, ट्रांसपोर्ट उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहता है पोल्यूशन के अंदर, बसेस का पोल्यूशन, व्हीकल्स का पोल्यूशन। ऐसे में दिल्ली मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है और दिल्ली मेट्रो एक कंफर्टेबल और ग्रीन ट्रांसपोर्ट दिल्ली को देती है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच सहयोग का ये एक सिंबल है। दोनों सरकारें मिलकर दिल्ली मेट्रो चला रही हैं, दोनों की 50-50 पार्टनरशिप है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इसी तरह से दोनों सरकारों के सहयोग से ये और फलेगी फूलेगी। दूसरी तरफ भारत और जापान की मित्रता का भी एक ये सिंबल है। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जापानीज गवर्नमेंट से जिस तरह से मदद मिली है उसके लिए हम सब लोग जापान का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं फिर से सभी, मैं दिल्ली मेट्रो को आज के इसके लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसी तरह से दिल्ली मेट्रो दिल्ली के लोगों की सेवा करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।